तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाचलकुतरुभस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगे राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वृन्दाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः तमादि देवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द सब एक बार हाथ उठाकर बोलिए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और एक बार जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम यहाँ सबके सब उपस्थित हुए हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित बोले एक जन्म नहीं जब करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये श्रीमद् भागवत कथा को कोई रख सकते हैं और ये कथा कोई सुन सकते हैं। हमारे बड़े गुरुजी कहते थे जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमारे पास में पैसा की बल हो जो काम की पैसा की बल पर कर सकते हैं। जगत में ऐसे कुछ काम हैं अगर हमें कोई मदद करने वाले हो जो काम को हम कर सकते हैं।
लेकिन उससे भी ज्यादा बल है अगर किसको पास में मन की बल हो जो काम कर सकते हैं। लेकिन इस सबसे जो बड़ा बल है ये आत्मा बल बताया। अगर हमारा पास में आत्मा बल हो जो काम को हम कर सकते हैं। लेकिन गुरु जी कहते थे ये श्रीमद् भागवत कथा न तो कोई पैसा की बल पर रख सकता है, न तो कोई जन के बल पर रख सकता है, न तो कोई मन की बल पर रख सकता है, न तो कोई आत्मा की बल पर रख सकता है। जब तक श्री गुरु जी की, जब तक ठाकुर जी की कृपा की बल नहीं हो ये कथा कोई रख भी नहीं सकते, कथा को कोई सुन नहीं सकते। मैं तो सारा दुनिया में जाता हूँ, कुछ कुछ लोग तो सोचते हैं कथा करेंगे लेकिन करते करते पता नहीं कितना साल हो गया लेकिन कथा रख ही नहीं पाते हैं। लेकिन देखो ये अशोक वासियों का, अशोक नगर वासियों का कितना सौभाग्य है। एक साल नहीं, हमारे बापूजी और श्री माधवी मैंने इनका नाम माधवी दीदी था। लेकिन देखो इनके बच्चे लोगों को देखो, इन लोगों को देखो, ये कोशिश करते जैसे हर साल एक कथा, किसी ना किसी तरह से हर साल एक कथा हो जाए। इसलिए बड़ी सौभाग्यवान है। जैसे भगवान कृष्ण ने जब श्री दुर्योधन को घर में आए, दुर्योधन ने 56 भोग और 36 व्यंजन रखा था, बोले कृष्ण को खिला पिला करके संतुष्ट कर दूंगा। लेकिन दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर का। ठाकुर जी दुर्योधन का 56 भोग 36 व्यंजन का तरफ में उन्होंने दृष्टि नहीं दिए, उन्होंने विदुर जी को घर में गए और उसको घर में केले के छिलका प्रभु खाए, क्योंकि भगवान प्रेम की भूखे हैं ठाकुर जी। इसलिए हम लोग बड़ी सौभाग्यवान हैं जो कि हमारे श्री बापू जी की परिवार वाले ये जो श्रीमद् भागवत कथा रख करके सबको भगवान की भक्ति, भगवान की भजन, भगवान की भक्ति में ये जो मदद करते हैं, ये बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति ये काम को कर सकता है। और ठाकुर जी इनकी से सेवा ले रहे हैं, ये मत सोच नहीं हमारे पास में सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, ठाकुर जी इनसे सेवा ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। देखो इस बार कितना बढ़िया मनाया, लगता है जैसे राजमहल है, नया कुछ इस बार कुछ नया डेकोरेशन करवा दी ठाकुर जी। इसलिए बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय। आज सवेर से खाना नहीं खाएंगे, ताकत नहीं है। बहुत जोर से बोलो, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृत की। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरस अतः पिबंतु सद्भाग्या। कहते भागवत कथा रस को कौन पान कर सकते हैं, बोले जो सद्भाग्या, जिनकी भाग्य उदय हुआ है वही ये कथा रस को पान कर सकते हैं। कहते स्वर्ग में देवता रूप में जन्म लेने पर भी इनकी नसीब में भी ये भागवत कथा नहीं मिलता है, बोले ब्रह्मलोक में जन्म लेने पर भी उनकी नसीब में भी नहीं मिलता है, बोले कैलाश लोक में जन्म लेने पर भी उनकी सौभाग्य में नहीं, कहते यहाँ तक भी वैकुंठ में जन्म लेने पर उनकी सौभाग्य में भी भागवत कथा नहीं जुटती है। अब रामायण कथा सुने होंगे, जिस समय भगवान राम ये मरते जगत छोड़ करके वैकुंठ जगत जाना चाह रहे थे, सारे अयोध्या वासी तैयारी प्रभु के साथ में जाएंगे, देखा एक व्यक्ति वहां पर है ही नहीं, बोले कौन, बोले श्री हनुमत, श्री हनुमान जी। भगवान राम ने देखा, कहते हैं ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए प्रभु राम देख रहे हैं जो हनुमान कभी मेरे बगैर रहता भी कभी नहीं, लेकिन आज ये हनुमान जी कहाँ है। प्रभु जी ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते देखा हनुमान जी कुड़ में बैठे हुए। अब बैठ करके रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम, प्रभु का नाम जप कर रहे थे। भगवान ने पूछा हनुमान जी संपूर्ण अयोध्या वासी तैयारी वैकुंठ जाने के लिए, तू वैकुंठ में नहीं जाओगे। देखो हनुमान जी क्या कहता है, बोले प्रभु वैकुंठ में क्या तेरी कथा सुनने को मिलेगी। भगवान ने कहा क्यों,
जब मैं वैकुंठ में स्वयं हूँ, पर ये कथा की जरूरत क्या है? देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले प्रभु आप जहां पर हो सकता है आपकी कथा वहां पर नहीं हो, लेकिन जब जहां पर तुम्हारी कथा होती है वहां के 100% आप वहीं निवास करते हो। इसलिए प्रभु, इसलिए मैं वैकुंठ जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी कथा नहीं, ये मर्त्य जगत में तुम्हारी कथा रहेगी। भगवान ने पूछा, हनुमान जी फिर तू वैकुंठ में कब आओगे? बोले प्रभु जब तक ये दुनिया में तुम्हारी कथा चलते रहेगी तब तक ये दुनिया से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मैं देखूंगा यहाँ पर तुम्हारी कथा की दुर्भिक्षा है, कहीं तुम्हारी कथा नहीं हो रही है, बोले प्रभु जी एक सेकंड के लिए भी मैं यहाँ नहीं रहूंगा, उसी समय में मैं वैकुंठ चलाऊंगा। इसलिए भागवत में बताए, बोले नजत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, बोले जहां पर भगवान की कथा नहीं, जहां पर मखा महोत्सव, जहां पर जन्माष्टमी, जहां पर रामनवमी, जहां पर गिरिराज की उत्सव नहीं, जहां पर होली की उत्सव नहीं, बोले सुरेश लोक अभी नब्बई सभ्यताम, कति ये सुर लोक क्यों नहीं हो, वो वैकुंठ लोक क्यों हो, नहीं वो मैं वहां जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो वहीं पर रहना चाहता हूँ प्रभु जहाँ पर तुम्हारी भागवत कथा की नदी की मंदाकिनी बहता हुआ हो, जहाँ पर तुम्हारी कीर्तन सत्संग होता है, मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ। इसलिए जो अशोक नगर वासी, देखो कितने सौभाग्यवान, देवताओं को स्वर्ग लोक छोड़ना पड़ता है कथा सुनने के लिए, ब्रह्मा को ब्रह्म लोक त्याग देना पड़ता है, शंकर जी को कैलाश लोक त्याग देना पड़ता है, श्री गरुड़ जी की हनुमान जी को ये वैकुंठ लोक त्याग देना पड़ता है, लेकिन अशोक नगर वासियों को आप लोगों ने कुछ त्याग दिया है? कहीं गए हो? कहीं गए नहीं। ये कथा रूपी गंगा स्वयं बहते बहते अपना घर को सामने आ गई और हम घर में बैठ कर कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। इसलिए शंकर जी पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती, बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिषा दंडा भर ए कौबारा। पार्वती जीवन में एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्यार तुलसी सतसंगत मिना से कोटि अपराध। बोले पार्वती सतसंगति दुर्लभ संसारा, ये संसार में ये भगवान की कथा साधु संग हरि कथा पार्वती बड़ा दुर्लभ है। पार्वती कहती है दुर्लभ कहाँ है? देखो हमारे पापू जी भागवत कथा के लिए सब जगह में, देखो आज कीर्तन नगर संकीर्तन निकला कि नहीं, कितना लोग घर घर में पाम्पलेट बांट रहे थे, भैया कथा के लिए आना। केवल कथा नहीं, कितने सुंदर पैंडल बनाए, इतना नहीं फिर कथा के बाद में प्रसाद की भी व्यवस्था है, बढ़िया चकाचक हलवा, गर्म गर्म पूरी, आलू फूल गोभी की सब्जी है, इतने बढ़िया व्यवस्था है, किसको बोलो कोई आएगा? इसलिए शंकर जी पार्वती कहती है, बोले प्रभु आप कहते हो ये भागवत कथा दुर्लभ, दुर्लभ कहाँ? जगह जगह पर बैनर लगाया, भैया भागवत कथा हो रही है आओ कथा सुनने के लिए। लेकिन शंकर जी पार्वती बोले प्रभु दुर्लभ कहाँ, ये सुलभ है। लेकिन शंकर जी कहते पार्वती आप तो यही सरा अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। यहाँ पर कोई नहीं आएगा पार्वती, कोई नहीं आएगा। अगर शाहरुख खान आ रहा है ना, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय आ रही है, हेमा मालिनी आ रही है, किसको पता चले यहाँ पर आएगी, किसको बोलना पड़ेगा? पूरा अशोक नगर का लोग टूट पड़ेंगे, यहाँ पर प्यार रखने की जगह नहीं होगी, हैं? यहाँ प्यार रखने की भी जगह नहीं होगी। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती आव यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं हो पार्वती, ये भागवत कथा में कोई नहीं आएगा। मैया पार्वती फिर प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु जी फिर ये भागवत कथा में आते हैं कौन? ये भागवत कथा में कौन आते हैं?
शंकर जी कहते पार्वती वही आप आते हैं। भगवान की दो तरह के कृपा है, एक डायरेक्ट कृपा और एक इनडायरेक्ट कृपा है। जिसको ऊपर में ठाकुर जी का डायरेक्ट कृपा हो जाए पार्वती, वही व्यक्ति ही ये कथा में आएगी। बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाप देही असंगत से। जिसको ऊपर में ठाकुर का विशेष कृपा, उदाहरण देते हैं, कृष्ण जब बंसी बट को नीचे खड़े होकर जब बंसुरी बजाए, भगवान कृष्ण जब बंसी ध्वनि की, यद्यपि ब्रज में वहां पर उनका बंसी ध्वनि दो तरह का है, बोले एक सर्वभूत मनोहर और एक गोपीभूत मनोहर। बोले मतलब क्या है, कभी कभी कृष्ण ऐसे बंसुरी बजाते हैं सबके सब सुन सकते हैं, लेकिन कभी कभी कृष्ण ऐसे बंसुरी बजाते हैं केवल गोपियां जिसको सुन सकते हैं और कोई नहीं सुन सकते हैं। इसलिए कृष्ण बंसी बट को नीचे खड़े होकर के जब बंसुरी बजाए, वो था गोपीभूत मनोहर, क्योंकि वो गोपियों के ही बुलाना चाह रहे थे। इसलिए वहां पर सारे को सारे जितने ब्रज की गोपियां वहां पर आई है, जब आए ना तब कृष्ण क्या कहते हैं, बोले स्वागतम मे महाभागा। बोले हे गोपियां, जगत में तुम लोग केवल भाग्यवती नहीं, जगत में महाभाग्यवती, जगत में सबसे सौभाग्यवती तुम हो। बोले क्यों, बोले घर का सारे समस्या, घर की सारे हैं बंधन को तोड़ करके तुम लोग मेरे पास में आए हो, इसलिए मैं तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। देखो आप लोग भी कथा में आए हो, घर में सबका कुछ ना कुछ काम होगा, होगा कि नहीं, सबको घर में काम है कि नहीं, काम नहीं तुम्हारी, घर में सबका काम है। लेकिन भगवान कहते हैं ये भागवत कथा में जो आते हैं ना, मैं सबको स्वागत करता हूँ। तुम लोग भी घर की सारे हैं जंजाल को छोड़ करके, विपत्ति को छोड़ करके, सारे काम को छोड़ करके तुम लोग मेरे पास में आए हो। भगवान कहते मैं उनको स्वागत करता हूँ, हैं, क्योंकि भगवान बंसुरी तो बजाए यहाँ पर, भागवत कथा रूपी बंसुरी बजाए, लेकिन सब गोपियों के कान में नहीं पड़ी, कृष्ण जिसको बुलाना चाहते थे उनकी कान में पड़ी है। इसलिए मतलब है आप लोग यहाँ जो आए ना, कृष्ण आपको निमंत्रण करना चाहते हैं, कृष्ण तुमको बुलाना चाहते हैं, तभी तुम लोग यहाँ पर आए हो। अगर भगवान बुलाना नहीं चाहते ना, आप कभी भी नहीं आ सकते हो, घर में बैठ कर टीवी देखते हो, इधर उधर दुनियादारी की बात करते होती, कथा में नहीं आती। कथा में कौन आए, अति हरि कृपा जा पर होई, 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 पावत है रंगत सोई, पावत है रंगत सोई, अति हरि में ठाकुर जी की विशेष कृपा है, वही लोग ही कथा रूपी गंगा में स्नान कर सकते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रताप की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए बोले जो श्रीमद् भागवत है इसका महिमा क्या है, बोले श्रुत अनपठित ध्यात आदृतवा अनुमोदित सत्य पुनाति सद्धर्मं जाति विश्वद्रोहोऽपि। भागवत कथा की महिमा बताते हैं, बोले श्रुत, अगर कोई आकर के भागवत
बैठ कर कथा सुने, अगर इतना नहीं हो अनुपठित, अगर कोई कथा को पढ़े, अगर इतना भी नहीं हो जहां पर कथा हो रही है, अगर इतना कोई बात बता दे, बोले भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, ये कथा होनी चाहिए। अगर इतना अगर कोई बोल देता है ना, भगवान कहते हैं सत्य अपनाति सद्धर्मम, वो व्यक्ति जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, उसने विश्व का प्रति द्रोह क्यों नहीं किया हो, बोले देवताओं को प्रति द्रोह, बोले शत्रु आचरण क्यों नहीं किया हो, बड़े से बड़े पापी होने पर भी केवल इतनी सी अगर बात बता दे भैया भागवत कथा, बहुत अच्छी बात है, कथा होनी चाहिए। बहन तू चली जा, मैं घर का काम मैं कर लेती, तू तो कथा सुन करके आ जा। अगर इतना कोई बोल देता ना, बोले सत्य अपनाति सद्धर्मम, उसी समय में ही उसका सारे पाप नष्ट होकर के वो भगवत धाम को गमन करता है। इसलिए हर साल आप लोग कथा सुनते हो, ये धुंधुकारी को जिस समय वो वेश्याओं ने बड़े बुरी तरह से उसको गले में फांस लगा करके, मुंह में कोयला की अंगार डाल करके बड़े बुरी तरह से जब उसको समाप्त कर दिए और घर में गड्ढे खोद करके उसको गाड़ दिए, अभी वो प्रेतात्मा बन गया। जो गोकर्ण घर में आया, देखा प्रेत बन करके, कभी हाथी बन करके, कभी घोड़ा बन करके, कभी बिल्ली बन करके डराना चाह रहे हैं। इतने में श्री गोकर्ण ने कमंडल से पानी उठाए और उसको ऊपर में छिड़काव करवाए, करते ही थोड़ी सी उसका पाप खत्म हो गई। खत्म होते ही पहले तो बोल नहीं पा रहा था, अभी नाक में बोलने लग गया। बोले भैया तू कौन हो? बोले अहम भ्राता तोति अस्मि धुंधुकारी इति नामिना। बोले भैया मैं तेरे भैया हूँ, धुंधुकारी हूँ। बोले क्यों? तेरे नाम पर मैंने गया में गया पिंड दिया है। अब लोग गया में गए हो? कौन कौन गया में गए हो? वहां पर गया में श्री गदाधर भगवान नारायण का चरण चिन्ह वहां पर है। भगवान खुद बोले अगर कोई गया में एक बार आए, पितृ पुरुष का उद्देश्य पर यहीं पर पिंड दे जाए, उसका सारे पाप उसको दूर हो जाता है। बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दे करके आया, तेरे को मुक्ति नहीं मिली? बोले भैया मैंने इतना पाप किया हूं, मेरे नाम पर अगर 100 बार भी पिंड दोगे ना, मेरे उद्धार होने वाले नहीं। मैंने पिताजी को खूब पीटा, मैया जी को भी मैंने खूब मारे। पिताजी तो दुखी होकर घर छोड़कर चले गए, मैया तो दुखी होकर कुएं में आत्महत्या करी, पर 6 वेश्या को घर में ला करके रखा, अमेध्य कुमेध्य ऐसे कोई गंदा चीज मैंने जो खाया नहीं, सारे गंदा काम मैंने की। पिता माता को इतने सताया, भैया मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो, उधार नहीं। उनने फिर दूसरे दिन सूर्य देवता को प्रश्न करते हैं, आप कृपा करके बोलो मेरी भैया की मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने उपाय क्या बताए? बोले भागवत कथा सुनो, केवल इस भागवत कथा से उसको उधार होगी। इसलिए 7 गांठ की बांस गांठ दिए, एक दिन में पहला गांठ, दूसरे दिन में दूसरे, तीसरे में तीसरे, 7 दिन में 7 गांठ फट गया और दीप उसने चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुआ और वैकुंठ से विमान आया और बैठ करके सीधा वैकुंठ जा रहा था। इतने में गोकर्ण ने प्रश्न किया, बोले आप लोग ये बताओ, ध्यान देकर सुना, आप लोग ये बताओ, यहाँ पर तो कथा सुनने वाले इतने सारे लोग बैठे हुए, आपने एक रथ क्यों लाए? सबके लिए एक एक रथ लाना चाहिए था। बोला देखो, देखने के लिए तो यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन सही सही कथा एक व्यक्ति सुन रहा था। बोले क्या बता रहे हो? एक प्रेत होकर कथा सुन रहा था और सब कोई कथा नहीं सुन रहे थे। बोले कथा नहीं सुन रहे थे? बोले इनके अंदर में कमी क्या थी? हाँ, मन लगा कर सुनो, अभी कथा कैसे सुननी चाहिए, ये विष्णु दूत कह रहे हैं। बोले विश्वास गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावनम् मान दोष जयस्ते साम कथायाम निश्चलांगमति। कहते पहला जो नियम है,
हम तो आगे सुनेंगे, पहला नियम है 7 दिन तक बिना खाए पिए कथा सुनो। कैसे सुननी चाहिए? बिना खाए पिए 7 दिन कथा सुनो। बोलो भैया बिना खाए पिए कथा सुनेंगे हैं? हम तो बिना खाए पिए रह ही नहीं सकते। बोला अगर ये नहीं कर सकते हो 7 दिन तक घी पी पी कर भजन कथा सुनो। बोले घी पी पी करके पेट पतला हो जाएगा, बैठ नहीं सकते हैं। बोले अगर ये नहीं कर सकते हो 7 दिन फलाहार करके कथा सुनो। बोले हाँ ये थोड़ा काम की बात है। बोले फल भी बड़े कीमत अभी है, 1 किलो आप लेने के लिए जाओ पता नहीं कितना पैसा है हैं। बोले अगर ये नहीं कर सकते हो 1 टाइम फलाहार करो और 1 टाइम भोजन कर लो, इसको सबसे बेस्ट बताया। 1 बार फलाहार करो और 1 बार भोजन करो। बोले ये बात तो सही है। अगर किसको इसके लिए भी दिक्कत है, बोले भैया जितना बार भोजन करना करो कोई बात नहीं, लेकिन कथा ठीक से, कथा को ठीक से सुनो हैं। और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए 7 दिन हमें ब्रह्मचर्य पालन करते हुए साधारण विस्तार में रह बैठ कर सो करके, और झूठ नहीं बोलना, किससे झगड़ा नहीं करना, किससे कलह नहीं करना, और नियम पूर्वक कथा सुना। देखो ये भागवत कहता है, ये भागवत नहीं ये कल्प वृक्ष है। क्या है बोलो? क्या है? कल्प वृक्ष। बोले कल्प वृक्ष का मतलब क्या है? बोले जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा, जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगी। कहते जो निर्धन उनको धन मिलता है, जो दुखी उन्हें सुख प्रदान करता है, हाँ जो रोगी उसे निरोग प्रदान करता है, जिसको संतान नहीं उनको संतान प्रदान करता है। बोले ऐसे कोई चीज नहीं है जो कि ये भागवत कथा के समय नहीं मिलेगी। देखो ये मथुरा की घटना है। एक व्यक्ति मरने के बाद किसी कुत्ते होकर जन्म ग्रहण किया, बड़े पैसा वाला था। उसने अपना बेटे को स्वप्न दिया, बोले बेटा मैं तेरे पिता हूं, अमुक जगह पर कुत्ते बन करके मैंने जन्म लिया है, इसलिए मेरे को उधार करो। सचमुच से उसको बेटा गया, देखा सचमुच से वो कुत्ता उसको स्वप्न दिया, वो कुत्ते बन करके जन्म हुआ था। बोले भैया उधार कैसे होगी? बोले ये श्रीमद भागवत कथा से मेरी मुक्ति होगी, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। जब वहां भागवत किसी संत से करवाया, वो कुत्ता अपने आप आकर बैठता था, उसको बुलाने का जरूरत नहीं, वो आकर के पूरा कथा को सबसे पीछे वहीं पर बैठेगा। और 7 दिन तक उसने उल्टा पुल्टा चीज नहीं खाई, कुत्ता उसने नहीं खा करके किसी तरह से, जैसे फलाहार करते ना, वो ऐसे कुछ चीज खा करके कथा सुनी। और 7 दिन जब समाप्त हो गया, वो कुत्ता अपने आप शरीर को छोड़ गया। ये मथुरा की कथा। इसलिए ये जो भागवत कथा में इतने पवित्रता, इसलिए शंकर जी हम पहले सुनते हैं ना, शंकर जी पार्वती को ये सबसे पहले कथा सुनाए। बोले कहाँ पर सुनाए? बोले अमरनाथ में ये कथा सुनाए। इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा। शंकर जी स्वयं कहते पार्वती ये कथा सुन करके ही मैंने अमरत्व की प्राप्त की। पार्वती कहते प्रभु मेरे को भी सुना लो। बोले चलो तेरे को अमरनाथ में सुनाऊंगा। तो उन्होंने अमरनाथ में बैठा करके 7 दिन तक उन्होंने ये भागवत कथा सुनाई। पार्वती बोली प्रभु मैं तो शरीर छोड़ते जा रही हूँ, आप शरीर छोड़ नहीं रहे हो, क्या करने से शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा? बोले भागवत कथा से। तब से माता पार्वती ये शरीर नहीं छोड़ती हैं, और शंकर पार्वती दोनों आनंद पूर्वक दिन रात प्रभु की कथा रस में दोनों ही मस्त रहते हैं। इसलिए तब उन्होंने बोला कथा सुनने का नियम क्या है? कथा सुनने का नियम क्या है? देखो श्रोता 2 तरह के, कितने तरह के? बोला कितना तरह के श्रोता? 2 तरह के। आज मैं तब सुनाऊंगा श्रोता कितने तरह का, मैं कल सुनूंगा। अब किसको याद है जो मेरे को बोल देगा ना उसको बढ़िया इनाम दूंगा, ठीक है? कथा ऐसे सुनना जैसे मेरे को कल आप सुना सकते हो। कथा जो श्रोता 2 तरह के, एक उत्तम श्रोता और एक साधारण श्रोता है। कहते जो उत्तम श्रोता मतलब अच्छे श्रोता वो 4 तरह के। कितने तरह के? 4 तरह के। पहला नंबर हंस। अब हंस को दूध दो, देखना वो दूध तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा। इसलिए कथा कैसे सुननी चाहिए? मतलब जीवन में सार को ग्रहण करो और असार को जीवन में त्याग दो। बताओ तो पहला नंबर कथा श्रोता कौन है? बोलो अभी तो हंस है। अब लोग को याद नहीं रखते,
दूसरा नंबर है मधुमक्खी, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी कहाँ बैठता है? गंदी चीज में। मधुमक्खी कहाँ बैठता है? फूलों में। देखना भले ही कांटा वृक्ष में फूल क्यों नहीं हो, देखना मधुमक्खी वहां भी बैठ करके अपना शहद को ले लेगा। बड़ी सुंदर मधुमक्खी छत्ता बना देती है। इसलिए हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए? मधुमक्खी बननी चाहिए। दूसरा नंबर ये मधुमक्खी जैसे फूलों के ऊपर बैठ करके शहद ग्रहण करता है, हमें भी जीवन में सार सार को हमें ग्रहण करनी चाहिए। तीसरा नंबर है मछली। मछली आप लोग देखे हो? कौन कौन मछली देखे हो? सबके सब देखे हो। मछली को देखना, उसका आंखों का जो पलक है कभी झपती नहीं, एकदम आंख खुली हुई रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए? कथा कैसे सुननी चाहिए? मछली जैसे आंख खोल करके, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके, मतलब टकटकी लगा कर कथा सुननी चाहिए। हाँ, और एक चीज जो ध्यान करके सुनो, जिनको कथा सुननी है ना, आप जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो। अगर कथा सुननी हो, कथा की लाभ लेना, जिसको जानते हो थोड़ी सी वहां से अलग होकर बैठो, क्योंकि नहीं तो कथा नहीं सुनोगे, फिर दुनिया की बात करो बैठ बैठ करके, हैं? इसलिए थोड़ी सी उनसे अलग होकर बैठना। आज तो बैठ गए, कल से जब बैठो जिसको जानते हो थोड़ी सी वहां से हट करके बैठ जाना। इसलिए कहते ये मछली तीसरा नंबर है। बोले चौथा नंबर, बोले चातक। ये चातक एक चिड़िया है, चकोरा। इसका एक नियम है, वो किसी नदी का पानी नहीं पीता है, किसी तालाब का पानी, कोई कुआ का पानी नहीं पिएगा, वो केवल स्वाधी नक्षत्र का पानी पिएगा। मतलब जब बारिश ही हो ना तभी वही पानी पिएगा। इसलिए वो हर समय बोलता है प्यासा हम, प्यासा हम, मैं प्यासा हूँ, पानी 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 बोल करके वो चिल्लाते रहता है। मतलब कथा किसकी सुननी चाहिए? ठाकुर जी की। ऐसे नहीं दुनिया में बैठ करके उसकी छोरी ने ऐसे किया, उसको छोरा ने ऐसे किया, उसकी घर की बहू ऐसे कर रही थी, बैठ करके सारा दुनिया की गप्पे हैं, उल्टा पुल्टा जितने दुनियादारी बात करना, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ग्राम्य कथा ना सुनी वे, ग्राम्य कथा ना बोली वे, हैं भाल ना खाई वे, आल भाल ना पड़ी वे। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने बोले प्रभु आपका अपना मुंह से कुछ मेरे को उपदेश बताओ। देखो कितना अच्छी बात बताई। बोले देखो ग्राम्य वार्ता ना सुनी वे, ग्राम्य वार्ता मतलब ये दुनियादारी की बात को सुनना नहीं और दुनिया की बात सुन बोलना नहीं, और बढ़िया बढ़िया खाना नहीं और बढ़िया बढ़िया पहनना नहीं, क्योंकि बढ़िया बढ़िया ज्यादा बढ़िया बढ़िया खाओगे तो, ये संतों के लिए कह रहे हैं, संत तो सभी है, बढ़िया बढ़िया ज्यादा खाओगे तो शरीर ही जाता, इंद्रिय तेज होगा, फिर तुमको भजन करने नहीं देगा, फिर इधर उधर भगाएगा, और बढ़िया बढ़िया पहनना नहीं। बोले क्यों? अगर बढ़िया साड़ी पहन करके रास्ता में चलोगे ना, कपड़े शीशा को सामने खड़े होकर, तो एक घंटा लगेगा श्रृंगार होने के लिए। उसके बाद में जब रास्ता में चलेंगे देखेंगे भैया आज इतना बढ़िया कपड़ा साड़ी पहने, कोई मेरे तरफ में देख रहा कि नहीं, फिर मन क्या होगा? मन तुम्हारी विषय में जाएगी, मन तुम्हारी भजन में नहीं लगेगा, भजन में मन नहीं लगेगा। और बोले राधा कृष्ण सेवा मानस गरीबा, हर समय ये मन को ठाकुर जी को सेवा में लगा करके रखना। इसलिए यहां पर बताए चातक जैसे है, इसलिए पिएंगे तो सुनेंगे तो ठाकुर की ही बात सुनेंगे, दुनिया की बात हम नहीं सुनेंगे। ये चार तरह का ये अच्छे श्रोता, और चार तरह का साधारण श्रोता। पहला नंबर है भूरुण, ये हिमालय पर्वत में ये चिड़िया रहता है। इसका एक विशेषत्व है, आप इसको जैसे सुनाओ ना वो ठीक तुम्हें ऐसे ही सुना देगा, सुन मिलेगा सुना देगा, लेकिन वो करते समय वो उल्टा करेगा, सुनेगा सुना भी देगा लेकिन अपना जीवन में कोई बात को उतारेगा नहीं। दूसरा नंबर है ऊंट। आप लोग ऊंट देखे हो? कौन कौन ऊंट देखे हो? आप देखना ऊंट को कोई कोमल कोमल सुंदर सुंदर पत्ता दे, देखना वो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा बबुल का पेड़ कहाँ पर जिसमें कांटा कांटा हो ना, कोई कांटा वृक्ष हो उसकी अच्छी लगेगी, वो बढ़िया बढ़िया पत्ते अच्छे अच्छे पत्ता नहीं खाएगा, देखना कांटा पेड़ को खाएगा, अपना मुंह से खून निकलेगा, लगे वाह क्या स्वाद लग रहा है।
इसका मतलब है जो व्यक्ति भगवान की प्यारी प्यारी मीठी मीठी ठाकुर की कथा नहीं सुनते हैं, कांटा कैसे कथा सुनेंगे जिसमें केवल दुख ही दुख है, जिसमें हैं केवल दुख ही दुख की कथा सुनेंगे, दुनिया की बात में रुचि होगी लेकिन प्रभु की कथा में उसकी रुचि कहते जो ऊट है। तीसरा नंबर बैल, बैल को आप कोई घास दे दो, बड़ी सुंदर सुंदर कोई फल दे दो, वो दोनों में वो कोई फर्क नहीं समझता है, वो दोनों को बराबर मानता है। मतलब है जो व्यक्ति अरे ठाकुर की कथा हो नहीं तो दुनिया की चुगली निंदा चर्चा हो, कोई भी कथा हो बैठ जाओ, बैठ करके उसी कथा में नहीं, चुगली फुगली कथा नहीं सुननी चाहिए, सुननी चाहिए भगवान की बात, भगवान की कथा में सुननी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कभी भी बैठ करके इधर उधर की सारी बात को बैठ कर कभी नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि जिसकी चुगली करेंगे ना उसकी जितने सब पाप हमें हमारे ऊपर आ जाएगा, और जिसका चुगली करेंगे वो तो पवित्र हो जाएगा, और जो करने वाले उसका सारे दोष तुम्हारी ऊपर में आ जाएगी। इसलिए चौथा नंबर में बताए भेड़िया, ये छोटा जाति की बाघ होता है। जब हरी हिरण कोई सुलीली शब्द को सुन करके एकदम उसमें मुक्त हो जाए, उसी समय में वो जो छोटा की बाघ है उसी समय में आक्रमण करेगा। मतलब क्या, हाँ ध्यान देकर सुनो, मतलब है ऐसे कुछ श्रोता हैं जो स्वयं कथा नहीं सुनते, जिनकी कथा में कोई रुचि नहीं, लेकिन जो पास में बैठ कर कोई कथा सुनता होगा ना उसको सुनने नहीं, बिना कारण के बात करते रहेंगे उसको साथ में, तेरे घर में आज खाना क्या बना था, हैं आज तुम कहाँ गई थी, उल्टा पुल्टा दुनिया की बात कथा में भी आकर के दुनियादारी की चर्चा करने लग जाते हैं। बोले नहीं, ऐसे नहीं सुननी चाहिए, ठीक है ना। ये चार तरह का साधारण श्रोता। बोले कथा कितने तरह का, बोले चार तरह का। पहला नंबर कथा सात्विक, एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुनेंगे लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं। दूसरा नंबर राजसिक, राजसिक का मतलब होता है बड़े ठाड़ बाड़ से कथा को तो आयोजन की लेकिन मेन जो कथा सुनना वो कथा बैठ कर कथा नहीं सुन पाए, इधर उधर काम में बिजी हो गए। बोले ये राजसी कथा, बोले तामसी कथा, जैसे सात दिन की कथा है, कभी इच्छा हो गया बैठ गए, मन नहीं लगा एक चक्कर लगा करके आ गए, नहीं तो बीच में आए, नहीं तो लास्ट में आए, नहीं ये कथा, इसको कथा नहीं कहते हैं। बोले सही कथा क्या है, जिसने अपना जीवन को ही कथा बना दिया, अपना जीवन को ही भगवत कथा बना दिया। मतलब क्या, रोज घर में नियमित करके सवेरे उठो, स्नान करो, तिलक लगाओ, ठाकुर जी का आरती उतारो, तुलसी परिक्रमा करो, गीता हो भागवत हो नहीं तो कोई भक्ति रामायण ग्रंथ, कोई अच्छी ग्रंथ हो, सद ग्रंथ को रोज नियम करके उसको पढ़ो, ग्रंथ को हैं रोज रोज अपना नियम करके बताया, जिस घर में ये भागवत कथा हो रोज रोज एक श्लोक, आधी श्लोक में तो एक चौथाई कोई श्लोक पढ़ता है उसको घर में श्री राधा गोविंद का निवास हो जाता है। कहते भागवत ग्रंथ भी अगर किसको घर में रह जाए ना तो घर का ही कल्याण हो जाता है, क्योंकि ये श्रीमद भागवत नहीं बोले तेन अयंग बांगमय मूर्ति, ये भगवान स्वयं ये शब्द ब्रह्म रूप में भगवान इसी जगत में ये ग्रंथ रूप में आए, ये भागवत नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वरूप ये श्रीमद भागवत। इसलिए कहते ये भागवत कथा की इतने महिमा है, कथा कहीं हो रही है, अगर इतना कोई बोल दे कथा अच्छी बात हो रही है, बोलते ही सारे पाप से मुक्त होकर के हैं वो भगवत धाम को गमन करता है, और भगवान आकर के उसके हृदय में ऐसे फंस जाते हैं, ठाकुर जी हृदय में बैठ जाते हैं, ठाकुर को निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए ये धुंधुक श्री गोकर्ण ने कहा देखो कथा सुनने का नियम है, क्या नियम है कथा सुनने का, विश्वास गुरु वाक्य सुन, पहला नंबर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास मिल रही वस्तु, जब तक विश्वास नहीं होगा ना तुमको ये कथा फल नहीं देगा। अगर कोई सोचेगा अरे ये सब भूत पिशाच कौन देगा, सब झूठ मूठ का बात है, कभी घोड़ा बन गया, कभी हाथी बन गया, प्रेत बन गया, सब किसने देखा है, सब
ये सब सब साधु लोग है ना, ये मन गणत सब बात सब भूत पिशाच बना दिए अपना पेट पालने के लिए। कहते भैया ये कथा व्रत में फल नहीं देगा। देखना एक बच्चा जैसे पढ़ाई करता है, 25 साल के बाद में कोई सीए बनेगा, इंजीनियर नहीं तो डॉक्टर बनेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं तुमको नौकरी मिलेगी। लेकिन 25 साल तक उसको विश्वास करके पढ़ता है, जब पेपर आता है ना 10-10, 12-12 घंटा पढ़ता है, और कितने लाख रुपया खर्चा करके, लाख लाख रुपया घर छोड़कर कहीं बाहर जाकर के, लाख लाख रुपया खर्चा करके जाकर पढ़ता है और पागल जैसे रटता रहता है। भैया क्या नौकरी पाकर तेरे को शांति सुख मिल जाती है, पैसा मिल गया तो? लेकिन अगर एक बार तुम्हें भगवत प्राप्ति हो गई, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन माम उपदूत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, हे अर्जुन एक बार अगर तू मुझे प्राप्त कर लिया, जन्म मृत्यु दुख कष्ट तक चिरकाल तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तू मेरे पास में आओगे। और इसका प्रति विश्वास नहीं करनी चाहिए। आप देखना जब टीवी चलता है ना सीरियल, देखो ना सीरियल में झूठ झूठ मूठ का बात है, जो सीरियल में उल्टा पुल्टा आती है वो सच है ही नहीं, छुटा चीज है। आंख फाड़ फाड़ करके 3-3 घंटा बैठ बैठ कर देखते हैं, जो झूठे चीज को बना दिया एक रूप। तुम झूठे चीज को तुमने मन लगा कर सुन रहे हो, और भागवत कथा तो साक्षात भगवत स्वरूप है, साक्षात ये वाक्य बिहारी। इसलिए विश्वास गुरु वाक्य सो, पहला नंबर तुम्हारी विश्वास होनी चाहिए, दूसरा नंबर स्वस्मिन दीनत्व भावना। ध्यान देकर सुना कथा कैसे सुननी चाहिए, दीनहीन होकर के, अभिमान से नहीं, दीनहीन होकर कथा सुननी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति करना तो चार गुण आनी चाहिए। बोले क्या? बोले घास से भी ज्यादा दीनहीन बनो, पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति, सबको सम्मान दो लेकिन स्वयं सम्मान की भूखे मत बनो। अगर ये चार गुण में गुणी होकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। एक बार आप बोलो मैं सुनूंगा जोर से, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले चौथा गुण क्या है, बोले मन दोष जयस जैसा, अपना मन को यहाँ पर लगा करके, मन को लगा करके सुननी चाहिए। जैसे शरीर यहाँ पर लेकिन मन घर में, पता नहीं बच्चा नहीं आ गया तो पति को खाना मिला कि नहीं, घर में क्या हो रहा है। फिर तो फिर मन अगर जहाँ पर है ना, शरीर तो वहीं पर सब कुछ है। इसलिए मन को यहाँ पर एकाग्रता करके, मन को एकाग्र करके कथा सुननी चाहिए। अगर एक मन से अगर कोई कथा सुनेगा जरूर उसको इसी जीवन में सारे पाप से मुक्त होकर उसको भगवत प्राप्ति जरूर होगी। जब उन्होंने ये सब बात को बताया ना, उन्होंने बोले देखो, गोकर्ण ने बताया, बोले देखो तुम लोग 7-7 दिन तक कथा सुने ना, हमारे लिए रथ ही नहीं आया और एक व्यक्ति के लिए रथ आया, फिर कल से मैं 2 बार कथा सुनाऊंगा। देखो कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा के पहले आए, कथा से पहले आए, कथा सुनो हनुमान जैसे। कैसे सुननी चाहिए, हनुमान जी, आप देखना कहीं भी प्रभु की कथा होगी ना, सबसे पहले श्री हनुमान जी की तस्वीर वहां लगाई जाएगी, क्योंकि राम कथा के सबसे बड़े रसिया श्री हनुमत लाल है। और कथा सुनो कैसे, आकर बैठ गए नहीं, सबसे पहले आकर के जो कथा में जो बैठे हुए सबको प्रणाम करो, जहां पर कथा हो रही है उस स्थान को प्रणाम करो। क्यों, जहां पर ये भागवत कथा होती है, बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यथाच्युतादर कथा प्रसंग, जहां पर ये भागवत कथा होती है वो कथा खाली नहीं, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ आ गए और कथा जो श्रवण कर रहे हैं, बोले समझो बैठ बैठ करके पृथ्वी का सारे तीर्थ में नहा लिया। पृथ्वी में इतने सारे तीर्थ है, करोड़ रुपया खर्च भी करो ना अब सारे तीर्थ को दर्शन नहीं कर सकते हो, इतना तीर्थ। एक बार मैं मरीशस गया था, नाम सुने वो विदेश है, वहां पर भी देखा गंगा है, वहां भी गंगा नदी है। पृथ्वी में रसिया, उसका नाम रसिया नाम क्यों पड़ा,
बोले ऋषि मुनि का वो स्थान था, वहां पर भी नदियों का नाम अलग अलग नाम है, ठाकुर का नाम पर है। एक स्थान का नाम ब्रिजबीन है, एक स्थान का नाम ब्रिजबीन नाम, एक स्थान का नाम प्रेम, ऐसे ऐसे नाम भारत नाम के साथ मिलता जुलता है वहां पर। और कहते पृथ्वी में इतने तीर्थ करोड़ रुपया खर्च करने पर भी आप स्नान नहीं कर सकते हो। लेकिन इसे सुतो गोस्वामी कहते हैं, अगर ये भागवत कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया तो सर्वाणी तीर्थानी भसंति तत्रा, समझो पृथ्वी का सारे तीर्थ में बैठी बैठ करके नहा लिया तुमने। बोले उससे भी ज्यादा पुण्य है। बोले क्यों? आप लोग हरिद्वार गए हो? कौन कौन हरिद्वार गए हो? वहां पर हरि की पौड़ी में गए हो? वहां पर देखना लिखा हुआ सावधान, बड़ी तेजी गंगा पानी चल रही है, थोड़ी सी आगे कर डुबकी लगाए ना पूरा खत्म हो जाओगे। इसलिए लिखा हुआ हर जगह सावधान, नीचे बड़ा गहरा है, सावधान से स्नान करो। अगर थोड़ी सी आगे गई ना और गंगा में एक डुबकी लगाए पूरा पूरा चली जाओगी, पूरा के पूरा तुम चली जाओगी। लेकिन आपने कभी सुना है कथा रूपी गंगा में स्नान मत करो? हर जगह में कहते हैं भैया जितने गोता लगा सकते हो कथा रूपी गंगा में डूबो, कथा रूपी गंगा में जितना डूबोगे तो तर जाओगे। लेकिन जो दुनिया की जो गंगा है ना, अगर ज्यादा थोड़ी जाकर डूबो कर तो मर जाओगे, जाकर मर जाओगे, गंगा तुमको वहां करके ले जाएगी। लेकिन कथा रूपी गंगा में कभी ये नहीं बताए भैया ज्यादा डुबकी मत लगाओ, जितने डुबकी लगा सकते हो लगाओ। और देखो गंगा में नहाने से क्या होगा, केवल थोड़ी तुम्हारी पाप दूर और कुछ नहीं होगा, फिर घर में आकर दोबारा पाप करोगे। लेकिन कथा रूपी गंगा में अगर गोता लगाओगे तो जीवन सुधर जाएगी, तर जाओगे। जैसे यहाँ पर भक्त लोग हैं, देखो गले में तुलसी कंठी हो, माला पहने हो, भगवान की माला जप करते हो, ये रंग कहां से चढ़ी? कथा रूपी गंगा में स्नान करने से चढ़ी। कथा रूपी गंगा में नहाओगे ना जीवन तर जाएगी तुम्हारी, है? क्योंकि तुम्हारी हृदय परिवर्तन हो करके सारे गंदी चीजों को छोड़ करके प्रभु की भजन में लग जाओगे। लेकिन ये जो साधारण जो गंगा है वो गंगा कभी हमको बोलेगी नहीं भैया हरि नाम कर, क्यों गंदे रास्ता पर चलते हो, प्रभु की माला जप करो, ठाकुर को भोग लगाओ, ये गंगा हमको नहीं बोलेगी। ये सत्संग रूपी गंगा ये बात बताएगी। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं कथा रूपी गंगा में जो स्नान करते हैं भैया उत्तर जाते हैं, पृथ्वी का सारे तीर्थ में यहीं पर बैठ बैठ करके तुम्हारी स्नान हो जाएगी, है? इसलिए फिर उन्होंने दूसरे दिन बोले भैया हम तो कथा सुने लेकिन फल नहीं मिला, कल से दो बार कथा करूंगा, सबके सब कथा से पहले आना, कथा से पहले आना, ज्यादा दिन नहीं 7 दिन, अगर हम सही सही कथा सुनेंगे ना हम भी जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के हम ठाकुर के पास में चले जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरे दिन फिर कथा प्रारंभ की और सबके सब भक्त लोग कथा से पहले आए और बड़े प्रेम से बैठ करके कथा सुने। जब कथा विश्राम हो गई ना, जितने लोग बैठे हुए थे सबके लिए एक रथ आया और रथ में बैठे और सीधा वैकुंठ चले गए। देखो कथा जब विश्राम हो जाएगी ना आप सबके लिए एक एक रथ आएगी, आप लोग जाओगे? अगर सचमुच से रथ आ गई आप जाओगे? कौन जाएगा हाथ उठा? सब झूठ बोल रहे हो। अगर सचमुच से एक रथ आ जाएंगे ना देखोगे यहाँ पर एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, सब मैदान खाली करके चले जाएंगे। बोले भैया हमारा बेटी की शादी नहीं हुई, अभी छोटे बच्चे हैं, पति को रोटी कौन खिलाएगी, है? देखो आपको सही घटना सुनाता हूँ। एक माता जी थी, उसकी पति पहले मर गई, उसका बच्चे भी मर गए, संसार में कोई नहीं। वो मैया रोज जंगल में जाकर के सुखी सुखी लकड़ी को बीड़ करके लाती थी और मार्केट में बेच करके किसी तरह से पालती थी संसार, अपना जीविका निर्वाह करती थी। जेठ की महीना थी, एकदम चिलचिला हुई धूप थी, उसने जंगल से लकड़ी की गठली लाई सर पर, बड़ी धूप थी, आते आते इतने भोजन थी नीचे उतार कर रखी थी और जम को गाली देने लग गया। बोले ये जम महाराज मेरे पति को ले गया, मेरे बेटे को ले गया, मेरे परिवार को ले गया, ये अभी तक मेरे को नहीं ले रही है। रोज रोज सुखी सुखी लकड़ी सर पर ला करके मार्केट में बेच करके अपना जीविका निर्वाह कर रही हूँ, ये जम मेरे को क्यों नहीं ले जाता है? जब लकड़ी रख दिए ना सचमुच से जम आ गए। बोले माता जी क्या बात है, मेरे को क्यों बुला रही थी?
अभी बुला रही थी ना, बोले तुम कौन हो, बोले क्या बोल रही थी, जब सबका ले गया मेरे को नहीं ले जा रहा है, मैं जम हूँ, बताओ क्या करना, बोले जो गठली है ना लकड़ी का थोड़ा सर पर उठा दो। इसका मतलब है कि जो मरना है ना कोई नहीं चाहता है, ये तो मरना नहीं, इसलिए अगर सचमुच से एक रथ आ गया ना सब यहाँ खाली हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे यार। देखो तब तक ये रथ नहीं आएगी जब तक ये कथा सुन करके ये संसार का प्रति हमारे वैराग्य नहीं हो जाए, तब तक रथ नहीं आएगी, इसलिए आप चिंता मत करो। हाँ रथ आएगा तो जाना पड़ेगा, कोई चिंता मत करो। ब्लसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए ये कथा श्रवण करने पर हैं कभी ये धुंधुकारी के लिए रथ आया और गोकर्ण दो बार सुनाया तो सभी के लिए रथ आया और सब के सब बैठ करके ठाकुर जी की पास में, सब के सब भगवान की पास में चली गई। इसलिए ये कथा सुन करके पापी से पापी भी अगर कथा सुनेगा तो कोई बोलेगा ना कथा सुनने का अधिकारी कौन है, बोले भैया आप तो बता रहे थे जन्मांतर भवेत पुण्यम, वही कथा सुन सकते हैं जिनकी जन्म जन्मांतर का पुण्य संचित हुआ, हम तो बड़े पापी क्या कथा सुन सकते हैं, बोले भैया धुंधुकारी जैसे इतना बड़ा पापी कोई होगा नहीं, इतना बड़ा पापी अगर धुंधुकारी जैसे पापी जिसको 100 बार गया में पिंड देने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी, जब वो मुक्ति हो गई हमें नहीं मुक्ति मिलेगी, जरूर मिलेगी। अगर कोई बोले हम क्या कम जानते हैं, हम बहुत जानते हैं, गीता भागवत पुराण सब याद कर लिया है, ये सुनी सुनाई बात को कितना बार सुनेंगे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले राम कथा जय सोना ता अघाई, राम कथा जय सोना ता अघाई, आ कृष्ण कथा जय सोना ता अघाई, आ कृष्ण कथा जय सोना ता अघाई, विशेष जनता तीन नास, विशेष जना तीन ना राम कथा गोस्वामी जी कहते हैं भैया भगवान की कथा में इतने रस है, इतने रस है, अगर कोई बोलता है अरे कथा सुनते सुनते हम तो बोर हो गए कितना सुनेंगे, बोले भैया वो रस को नहीं जानता है। भगवान जब पृथ्वी महाराज को बोले वर मांगो, बोले प्रभु मेरे को 10,000 कान दो, बोले क्यों, दो कान तो अच्छे लग रहे हैं, अगर यहाँ दो कान सारा शरीर में कान ही कान हो जाए थोड़ी अच्छी लगेगी, दो कान ही सुंदर लग रहा है। बोले ठाकुर जी कान दो ही हो लेकिन इन दोनों कानों में कथा सुनने का इतने शक्ति दो, 10,000 कानों में कथा सुनने का जितने शक्ति हैं। और दूसरा अर्थ है जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कई कथा होती होगी ना, बोले प्रभु कहीं की कथा चुक नहीं जाए, जहां जहां तुम्हारी कथा हो रही है उतना रूप में लेकर के सब जगह में तेरी कथा सुनते रहो, तेरी कथा सुनते रहो। इसलिए कहते भगवान की कथा, अगर एक टाइम भी रोटी नहीं मिले ना हम क्या बोलेंगे, हाय रोटी दिन भर रोटी की हमने मुंह नहीं देखी। भैया अगर रोटी में इतना आनंद हो सकता है, ठाकुर में आनंद नहीं, जिनको रस स्वरूप आनंद स्वरूप जिनको प्रेम स्वरूप है, इसलिए वल्लभाचार्य जी कहते भगवान पूरा मिठाई है, वो रस बैस है, वो रस स्वरूप भगवान श्री रस स्वरूप ठाकुर जी। देखो भगवान की कथा में इतने मीठा इतने रस है, जानते हो जैसे हम लोगों को तो भगवान की कथा अच्छी लगती है, आप बता सकते हो सबसे ज्यादा किसको अच्छी लगती है कथा, आप बता सकते हो, कौन बोलेगा हाथ उठा, जैसे हमको सबसे बढ़िया लगती है हमें कथा, लेकिन सबसे ज्यादा किसको अच्छी लगती है, किसको नहीं, कहते भगवान कृष्ण को, कृष्ण को कृष्ण कथा जितनी अच्छी लगती है ना दुनिया में किसको अच्छी नहीं लगती है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में क्यों आए, इसलिए आए हैं
कृष्ण सोच रहे भैया कि राधा रानी मेरे रस को प्रेम को पूर्ण रूप में यही आस्वादन करती है, लेकिन मुझे वो रस मेरे अंदर में मुझे जो आनंद मिलता है वो करोड़ों गुना ज्यादा राधा रानी को आनंद मिलता है। क्यों? मैं इतने सुंदर में हूँ। इसलिए अभी कृष्ण का अंदर में जैसे रसगुल्ला है, अभी रसगुल्ला में क्या स्वाद, थोड़ी रसगुल्ला को पता है, किसको पता? जो खाता है उनको पता है। इसलिए एक समय, ध्यान देकर सुना, एक समय ये सही घटना है, श्री जयपुर में एक गोविंद देव का मंदिर, आप लोग गए हो? कौन कौन गोविंद देव मंदिर में गए हो? जयपुर में गोविंद भगवान का मंदिर जिसको बज्रनाभ ने स्थापन किया है। अभी एक संत हर साल आकर कथा सुनाते थे, हर साल एक साल में कथा सुनाए, जब दूसरे साल में आए कथा सुनाने के लिए जितने श्रोता लोग ना उनके प्रश्न किया, भैया ये बताओ पिछले साल मैंने जो कथा सुनाई थी कहां तक मैंने कथा सुनाई थी, उसको बाद की कथा फिर मैं सुनाऊंगा। बोलो तो पिछले साल कहां कथा सुनाया था? लोग ने कहा भैया आज जो हम खाना खाते ना दूसरे दिन याद नहीं रहता, आज कोई खाना खाओ दूसरे दिन याद नहीं रहता, ये तो एक साल की पहले की बात कह रहे हैं। मैंने कहां कथा विश्राम दिया था? बोलो कहां कथा विश्राम दिया था? एक दूसरे को देखने लग गए, एक दूसरे को भैया कहां पर कहां पर। इतने में वो जो संत कथा सुनाने के लिए आया था उसने कहा लगता है ये कोई ध्यान से कोई कथा नहीं सुनते, ये लोग कोई कथा सुनने वाले यहाँ नहीं। जब इतने बोले ना ठाकुर जी के मंदिर से आवाज आए, बोले संत जी आप कैसे बता सकते हो कोई कथा नहीं सुनते, मैं कथा सुनता हूँ ना। ठाकुर जी गोविंद देव स्वयं बोल पड़े कथा मैं सुनता हूँ ना, पिछले साल आपने यहाँ तक अपनी कथा की थी, इसको बाद में फिर दूसरी प्रसंग यहाँ से शुरू होगी, ठाकुर स्वयं कहते हैं। इसलिए भगवान की कथा में इतने रस है, इतने आनंद है, यद्यपि हमें अच्छी लगती है लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ठाकुर जी की कथा। आप सूरदास का नाम सुने हो? सूरदास का छवि देखे हो? आप देखना सूरदास जी जब बैठ करके भजन खाते ना, मैया मोहरी मैंने ही माखन खायो, आप देखना जो सूरदास भजन गाते हैं कृष्ण सामने बैठ कर कथा सुन रहे, ऐसे देकर गाल पर हाथ रख करके कृष्ण अपना भजन को स्वयं कृष्ण सुनते हैं। इतने आनंद कृष्ण का कथा में, इतने आनंद प्रभु के भजन में। इसलिए इसे भागवत में जो महिमा में आती है, पापी से पापी भी उद्धार होगा, कथा सब सुनने के अधिकारी। और दूसरी कथा आती है ये ज्ञान वैराग्य, जब नारद जी वृंदावन में आए कैसे श्री ज्ञान वैराग्य कैसे बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी कानों में वेद उपनिषद पुराण सब कुछ सुनाए लेकिन ज्ञान वैराग्य को चेतनता नहीं आई। लेकिन जब श्री चतुसन ने ये भागवत कथा सुनाई और जब उन्होंने ये भागवत कथा हरिद्वार में सुनाने के लिए जा रहे थे, कहां से कथा सुनने के लिए आए, बोले ब्रह्म लोकों से, स्वर्ग लोकों से और जितने गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सख्यात मूर्तिमान बन करके, और जितने अयोध्या मथुरा माया ये भी आए, और जितने ऋषि मुनि वशिष्ठ पराशर आए, और जो नहीं आए ना अगस्त ऋषि घर घर में गए। बोले भैया चतुसन ये भागवत कथा कर रहे हैं, बड़े भाग्य से कहीं कथा सुनने को मिलती है, चलो कथा सुनने के लिए। वहां पर पृथ्वी के सारे लोग वहां पर कथा सुनने के लिए आए। जब चतुसन कथा करने जा रहे थे स्वर्ग में देवता लोग भी प्रसन्न हो गए, वहां पर पुष्पों की बौछार की, धुंध भी नागड़ा बजवाए और ये भागवत कथा की जयकार दी। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम जयकार में आनंद नहीं आया, कुछ तो जय और कुछ है कह रहे, और देवता लोग भी प्रसन्न होकर के, मतलब क्या है, अगर कहीं भागवत कथा हो ना ये देवता भी खुश हो जाते, बोले भैया यहाँ भागवत कथा हो रही है, बड़े भाग्य से कथा सुनने को मिलती है। देवता भी जयकार देते हैं, अब यहीं पर जयकार नहीं दे रहे, दो बार जयकार दो, बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय। अभी लग रहा है जयकार सही हुई है। अभी श्री जब श्री चतुसन ने ये कथा सुनाए, भक्ति देवी तक जवानी होकर के नृत्य करने लग गई, और जो ज्ञान वैराग्य थे, ज्ञान वैराग्य शुष्क होते हैं, ये ज्ञान वैराग्य बड़े शुष्क, इनका हृदय रस नहीं होता है,
लेकिन भागवत कथा में इतना रस है, वह सब के सब नाच उठे। गोलोक वृंदावन से सख्यात जुगल सरकार उतर करके आ गए। वहां श्री अर्जुन पखवाज बजा रहा था, नारद जी बिना बजा रहे थे, सुखदेव गोस्वामी जैसे जैसे वहां भजन हो रही थी वैसे बड़ी सुंदर भंगी से वो नृत्य कर रहे थे, सब के सब कीर्तन गा रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय दो बेटे हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। ये ज्ञान वैराग्य कब नाचे नाच उठेंगे, मतलब भक्ति करना तो हमारे दो बेटे होने चाहिए, एक ज्ञान और एक वैराग्य। मतलब भैया ज्ञान वैराग्य से थोड़ी भगवान मिलते हैं, भगवान तो भक्ति से मिलते हैं, फिर भक्ति के दो बेटे ज्ञान वैराग्य कैसे हुए? बोले यहाँ पर जो ज्ञान है ये भगवान की भक्ति युक्त ज्ञान है, ये भगवान की भक्ति में मदद करते हुए वाले ज्ञान है। और यहाँ पर जो वैराग्य है कहते भगवान की प्रति विशेष पूर्वक अनुराग, भगवान की प्रीति। इसलिए यहाँ शुष्क ज्ञान नहीं, शुष्क वैराग्य नहीं,
अगर ये भागवत कथा सुनेंगे आप देखना, जब सात दिन पूरी होगी ना, हमारे हृदय में भी एक ज्ञान और वैराग्य, ये एकदम जवानी हो जाएगी। हमारे हृदय की जो भक्ति है ना, वो हरी भरी हो जाएगी। मतलब क्या है, आप देखना कथा सुन सुन करके इतने ज्ञान, इतने ठाकुर का प्रति प्रेम होगा, हृदय में जो भक्ति वो नाच उठेगी। मतलब हमारी जीवन भक्ति में सराबर हो जाएगी। इसलिए आप देखना जब सात दिन तक कथा सुनेंगे ना, पूरा ज्ञान हो जाते हैं, सबके सब माला पकड़ लेते हैं। लेकिन जब चले जाते हैं वैष्णव लोग, कुछ दिन बाद में धीरे धीरे ज्ञान बजा के नीचे उतरना लग जाते हैं, फिर माला जैसे तैसे लटक रह जाती है। लेकिन जब ज्ञान मिले ना, फिर सबके सब घर में जो माला लटक रहा था फिर पकड़ लेते, बोले नहीं आज से हरिनाम करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए ये ज्ञान वैराग्य भागवत कथा से पूरे के पूरा ये जग जाती है और कृष्ण भक्ति में हरा भरा होकर के नृत्य करने लग जाती है, ये ज्ञान वैराग्य। इसलिए इसको कहते हैं श्रीमद भागवतम। इसमें भागवत इसका मतलब क्या है, बोले भा मतलब होता है, बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, बोले ग बोले गीयते नारदादिभिः, बोले ब बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले त बोले तरणी च भवार्णवः। अगर ये भागवत कथा कोई सुनेगा, बोले भा मतलब होता है प्रकाश, जिसकी प्रकाश केवल भारत में नहीं, इसलिए स्कंद पुराण में बताए, स्वयं उद्धव जी कहते हैं जिस समय भगवान ने ये सृष्टि को उन्होंने की है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता को प्रकट की, शंकर जी को बोले तुम संहार करना, विष्णु को बोले पालन करना, शंकर और ब्रह्मा को बोले तुम पालन करो। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये जो रजगुण का काम सृष्टि जगत को पालन कैसे करेंगे, बोले ये भागवत कथा सुना सात दिन तक। ये कथा सुन करके ब्रह्मा जी ये जगत को सृष्टि करते हैं। शंकर जी बोले प्रभु मैं क्या करूं, ये संहार करना तमोगुण का काम है, संहार का काम कैसे करूं, बोले भागवत कथा सुना। इसलिए शंकर जी जब कथा सुनाते हैं, माँ पार्वती बैठ करके कथा सुनती है। शंकर जी कितना दिन में समाप्त करते हैं, शंकर जी एक साल, हम तो सात दिन में कथा को विश्राम दे देंगे। शंकर जी इतने सुंदर व्याख्या करते हैं, एक साल लगा देते हैं। फिर माँ पार्वती कथा सुनाती, फिर शंकर जी सुनते हैं, भैया पार्वती कितने दिन में समाप्त करते, बोले दो साल। बोले शंकर जी से भी सुंदर कथा व्याख्या करके माँ कथा सुनाती है, क्योंकि माँ वैष्णवी, माँ ये वैष्णवी है। इतने में विष्णु आए, बोले प्रभु ये लक्ष्मी को कैसे पालन करो, दुनिया को पालन कर सकता हूँ, बोले आप भी कथा सुनो और सुनाओ। जब नारायण कथा सुनाते हैं, माँ लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है, एक महीना तक कथा को व्याख्या करती है। फिर जब माता स्वयं लक्ष्मी कथा सुनाती, विष्णु भी कथा सुनते हैं, वो दो महीना में कथा को पूरी करती है। देखो ये दुनिया में जो सृष्टि स्थिति प्रलय है, ये भागवत कथा के प्रभाव से ये दुनिया की सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। इसलिए भाव बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, बोले ग मैं कल पूछूंगा सुनूंगा किसको याद है ये भागवत का मतलब क्या, ग मतलब बोले कियते नारदादि भी, बोले कथा को गान करने वाले कौन है, बोले साधारण नहीं, जिस कथा तो स्वयं भगवान की मुंह से ये कथा निकली। इसलिए भागवत को चतुश्लोकी कहते हैं, सबसे पहले भगवान चतुश्लोक रूप में ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद जी व्यास को, व्यास श्री सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को, श्री सुत गोस्वामी, सुत गोस्वामी स्वर्णकाद ऋषियों को कथा सुनाते हैं। इसलिए कहते जिस कथा को हम ही सुन रहे हैं ऐसे नहीं, बड़े बड़े देवता लोग भी जिस कथा को गान करते हैं, कथा को सुनते हैं। बोले बोले वरिष्ठ सर्व शास्त्रेषु, बोले जितने शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हो तो कौन सा, बोले भागवत है। हम कल ये कथा को सुनेंगे, श्री व्यास देव जिस समय सारे ग्रंथों को उसने रचना की, शांति नहीं मिली, लेकिन जब श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखे पूर्ण शांति मिली। आप देखना हम जब ये भागवत कथा सुनेंगे सात दिन तक, कितनी तुम्हें शांति मिलेगी हृदय में, परम शांति हृदय को मिलेगी। इसलिए जितने ग्रंथों में, इसलिए भागवत को बताया
बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सौ वेदार्थ परिवर्णित। जितने सारे शास्त्र को जो निचोड़ है ये भागवत, जो भागवत कथा सुन लेते हैं सारे कथा सुनना उसको हो जाता है। बोले वरिष्ठ सर्व शास्त्र सुबलता बोले तरणी च भवान, मतलब अगर ये कथा को कोई सुनेगा तो बैठ बैठ करके भव सागर से पार हो जाएगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल भागवत कथा सुनो, इसी सहित में भगवत प्राप्ति होगी, ठीक है ना। इसलिए कल से देखो हम लोग कुछ प्रसाद नहीं खाना नहीं खाए ना, इसलिए कथा को आज हम यही विश्राम देते थे कि कुछ लोगों ने अभी तक सवेरे से भोजन नहीं किया, ठीक है। फिर कल से बताओ कितने से कितने तक कथा हम सुन सकते हो, बोला कितने से कितने बजे तक कथा हो, तो माताएं बोला हूँ क्यों घर का खाना अभी बना तो, लेकिन खाना तो यही प्रसाद तो यहीं पर मिलेगा ना, 2 बजे से। अब लोग बोलो कितने बजे से कथा सुनने आओगे, 2 से 5 बजे तक, ठीक है ना। ऐसे नहीं 2 बजे कथा शुरू करे यहाँ पर मैदान खाली पड़ा हो, नहीं नियम है। देखो मैंने पहले बताया ना, अगर आप 7 दिन तक सही सही कथा सुने एकदम एक मन से नियम से कथा सुने आप देखना जो मांगोगे। अभी हम ग्रेटर नोएडा में कथा करके आए, 2 पति पत्नी थे, 20 साल से उनको संतान नहीं थी, सारे काम उन्होंने कर लिए संतान नहीं हुई, उन्होंने ये भागवत कथा करके 7 दिन तक सुने, भागवत में फल रख कर खाए, 20 साल बाद में अभी उनकी संतान हुई, 20 साल बाद में उसको घर में संतान आई, एक नहीं मैंने 1000 देखा है। ये कथा को अगर कोई नियम से कोई सुनते है ना 7 दिन तक, ऐसे नहीं कथा को बीच में आए शेष में नहीं, कथा की पहले आओ और प्रेम से हाथ जोड़कर अच्छे तरह से कथा सुनो, देखना 7 दिन तक जो मांगोगे भागवत 7 दिन में सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी, लेकिन कथा सुननी चाहिए नियम से। अब ये बताओ जैसे कोई सिनेमा देखने के लिए जाते हो और जब सिनेमा शुरू होता है शुरू से जाते हो ना बीच में ना लास्ट में जाते हो, बताओ कितने बजे जाते हो। देखना अगर कोई कोई गंदी से गंदी सिनेमा होगा ना 1/2 घंटा पहले जाएंगे, अगर उसमें अगर टिकट नहीं मिलेगा ना फिर ब्लॉक में 100 रुपया को 500 रुपया टिकट, फिर लाइन में खड़े होकर भी, फिर वो सिनेमा है क्या, झूठा चीज, वो झूठी चीज है और गंदी चीज, उसमें कोई शिक्षा की बात नहीं, उल्टा पुल्टा चीज को एक रूपों के दे दिया और आग फाड़ फाड़ कर देखेंगे, पैसा भी खर्चा करेंगे, नरक का रास्ता खाली करके आ जाएंगे। लेकिन भगवान की कथा परम शांति, आप देखना अब जैसे देखो ध्यान देकर सुनो, ये राधा रानी कहती है हे प्रभु तुम्हारी जो कथा है ना ये परम शांति को देने वाले, सारे पाप को दूर करने वाले, जीवन में मंगलमय होने वाले। देखो हम संसार में सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई काम से दुखी, दुखी है कि नहीं बताओ, हम सबके सब संसार में दुखी। लेकिन एक चीज देख लेना, जैसे यहाँ 1 घंटा से बैठे हो आपको कोई घर की बात याद है, कोई दुख तुमको लग रहा है, नहीं। इसलिए राधा रानी खुद कहती है श्याम सुंदर तुम्हारी कथा से परम शांति मिलती है, परम सुख मिलती है तुम्हारी कथा में। आप जितने समय तक यहाँ बैठोगे ना लगेगा नहीं कथा में, लगेगा गोलोक वृंदावन में श्री बांके बिहारी राधा जी के चरण में बैठे, ये कथा में नहीं ठाकुर की गोद में बैठे, ये कथा में ही भगवान, समझ रहे हो। लेकिन कथा से केवल खड़े हो जाओ, ये पैंडल के बाहर निकलो ना, घर में जाने पर ये होगा, घर में जाने पर ये होगा, घर में ये समस्या, घर में ये समस्या, घर में ये समस्या, केवल यहाँ पार होते ही आपको सारे स्वर्ग ऊपर में पहाड़ जैसे दुख आकर बैठ जाएगा। लेकिन जब तक कथा में बैठे हो तब तक कोई दुख कष्ट तुमको याद नहीं है, क्यों, कथा में नहीं ठाकुर जी की गोद में बैठे हो, ठाकुर जी की गोद में बैठे, ठीक है ना। कल सबके सब 2 बजे आ जाना, ठीक है, लेट नहीं करना, नियम है जो कथा सुनाते हैं वो आने से पहले हमें आ जानी चाहिए। अगर टाइम से आओगे ना फिर टाइम से हम छोड़ देंगे, अगर आप लेट में आओगे फिर हम भी लेट कर देंगे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, प्रभु जी एक बढ़िया भजन सुनाएंगे जो नाचने वाले भजन है, और भगवान के दरबार में जो नाच लेना, फिर किसी को सामने नाचने का जरूरत नहीं, लेकिन अगर ठाकुर को सामने कीर्तन में नहीं नाचोगे
फिर तो किसको पति को सामने नाचना पड़ेगा, किसको बेटे को सामने, किसको बहू को सामने, किस सास को सामने, फिर 84 लाख जेल में नाचना होगा। सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक नाचने का भजन गाएंगे और सब नाच करके, और जितने बढ़िया नाचोगे ना भूख लगेगी, फिर खाने में उतना आनंद आएगा, प्रसाद में उतना आनंद आएगा। हरे कृष्णा। किसी की गाड़ी है होंडा सिटी 1071 1071 है तो हटा लीजिए प्लीज। होंडा सिटी गाड़ी खड़ी है और जाम लग रहा है, किसी की हो तो हटा लीजिए। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद भागवत महापुराण की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान क्या हो गया, अरे बाकी बिहारी के देख छटा अजी मेरो मन ले गयो लटा पटा, अरे बाकी बिहारी के देख छटा अरे मेरो मन ले गयो लटा पटा, अरे मेरो मन ले गयो लटा पटा, मेरो मन लटा पटा जी लटा पटा, 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 अरे मेरो मन गए गयो लटा पटा, मेरो मन गए गयो लटा पटा, हर बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन गयो लटा पटा, मेरो मन गयो लटा पटा।